assalamu alaikum students i am going to start your new, ch new chapter basic tools of mathematics and statistics in economics this is chapter number 8 of your book uh, the first topic is a variable generally the quantities which change their values are known as variable, and we can define it as uh, a variable is a symbol which during the discussion may assume different values or a set of admissible values yani uh, चेंज आ रहा हो जिस क्वांटिटी की वैल्यू में उसको हम वेरिएबल कहते हैं ठीक है थीके? जैसे इकनॉमिक्स में बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं जैसे प्राइस है डिमांड है सप्लाई है इनकम है सेविंग है कंजम्पशन है ठीक है एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान में इनकी वैल्यूज में कंटिन्यूस चेंज आ रहा होता है कभी इंक्रीज़ हो रही होती हैं कभी डिक्रीज़ हो रही होती हैं तो ये तमाम टर्म्स जो हैं ये वेरिएबल कंसिडर होंगी आप अपनी डेली लाइफ में भी अगर आप देखो अपने अपनी एरियर तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ uh, हैं जो जिनकी वैल्यू चेंज हो रही होती है जैसे टाइम है जैसे टम्परेचर है स्पीड है ये तमाम वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो चेंज हो रही होती हैं कभी इंक्रीज़ हो रही होती हैं कभी डिक्रीज़ हो रही होती हैं तो ये तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं ये वेरिएबल कहलाती हैं ठीक है देयर आर सम काइंडस ऑफ वेरिएबल एंड द्री काइंड इंक्लूडेड इन योर सिलेबस द फर्स्ट वन इज़ अ कंटीन्यूस वेरिएबल कंटीन्यूस वेरिएबल इज़ द वन विच एज ऑल वैल्यूज विद इन इट्स रेंज विदाउट लीविंग एनी गैप और टेकिंग जंप अगर कोई क्वांटिटी चेंज होते हुए अपने हर पॉइंट को छूकर गुजरे या अपने रेंज के दरमियान जितनी भी उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो हर वैल्यू को uh, लेते हुए चेंज हो तो उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल करेंगे यानी जब वैल्यू चेंज होती है तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई गैप या कोई जंप नहीं आता ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू 2 से एकदम से 5 6 पे चली गई है तो आपकी वैल्यू हंड्रेड से चेंज होगी एकदम से टू हंड्रेड पर चली गई है या वन फिफ्टी पर चली गई है बल्कि हर हर वैल्यू को जो भी गिवन रेंज है उस रेंज में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं पॉसिबल वैल्यूज़ वो हर वैल्यू को लेते हुए चेंज हो रही है तो फिर वो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा जैसे अगर आप वॉल क्लॉक को देखें तो उसमें आपकी जो नीडल होती है वो टाइम जब चेंज हो रहा होता है तो उसके हर हर पॉइंट को टेस्ट करती भी जाती है तो टाइम आपका जो होगा ये कंटिन्यूस वेरिएबल के लाएगा इसी तरीके से स्पीड है स्पीड भी जब चेंज होती है तो वो अपनी उसकी भी जो नीडल है वो हर पॉइंट पर से होते हुए जाती है पास होते हुए जाती है तो ये आपका कंटीन्यूस वेरिएबल कहलाएगा ठीक है यानी इसमें जब आपकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो वो दरमियान में ना कोई गैप छोड़ रही है ना ही उसमें कोई सडन जंप्स आ रहे हैं तो फिर आपकी वो वैल्यू जो होगी या वो क्वांटिटी जो होगी वो कंटीन्यूस वेरिएबल कहलाएगी तो कंटीन्यूस वेरिएबल का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो उसमें आपकी एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन ड्रा होती है लाइन कर ड्रा होती है लाइन का वो आपका ग्राफ बनता है और उसमें आपके वो हर हर पॉइंट को टच करते हुए हर हर पॉइंट को लेते हुए आपका वो कर्व जो है वो ड्रा होता है ठीक है द सेकेंड वन इज डिसकनटीन्यूस वेरीएबल डिसकनटीस वेरिएबल इज़ वन विच लीव्स गैप एंड इंटरवल्स वाइल चेंजिंग इन इट्स वैल्यू जब वैल्यू किसी भी क्वान्टी की वैल्यू चेंज होते हुए बीच में कुछ गैप दे कुछ इंटरवल्स छोड़ते हुए वो वैल्यू चेंज हो तो उसको हम डिसकंटीन्यूस वेरिएबल कहेंगे ठीक है तो डिसकन्टीन्यूस वेरिएबल में आपकी बहुत सारी एग्जाम्पल आ जाती हैं जैसे प्राइस है प्राइस जब चेंज होती है तो उसमें भी बीच में इंटरवल्स भी आते हैं गैप भी आते हैं ऐसा नहीं है कि आपकी प्राइस जब टेन से चेंज हो रही है तो टेन पॉइंट वन होगी फिर टेन पॉइंट टू होगी फिर टेन पॉइंट थ्री होगी नहीं बल्कि आपकी वैल्यू चेंज होकर टेन से ट्वेंटी पर भी जा सकती है टेन से ट्वेल्थ पर भी जा सकती है टेन से इलेवन पर भी आ सकती है ठीक है तो इसके बीच में इंटरवल आएगा बीच में गैप आएगा इसी तरीके से इनकम आपकी चेंज होती है इनकम भी चेंज होते हुए बीच में गैप छोड़ती है ठीक है तो ये प्राइस आपकी जो इनकम है जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है जो क्वांटिटी सप्लाई है ये सब आपकी डिसकंटीन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल्स होंगी द नेक्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अ वेरिएबल विच कैन एज्यूम एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इफ आ चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ब्रिंग्स आ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन अदर वेरिएबल दैट विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे आपके पास दो वेरिएबल हैं एक वेरिएबल की वैल्यू आज खुद चेंज हो रही है ठीक है उसके अंदर इंडिपेंडेंटली चेंज आ रहा है तो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे लेकिन अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू किसी और वेरिएबल में चेंज आने की वजह से चेंज हो रही है तो फिर वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्यू डी इज़ अ फंक्शन ऑफ पी अब इसमें आप देखो कि आपकी पी की वैल्यू ख़ुद से चेंज होती है प्राइस चेंज होती है ठीक है तो ये प्राइस इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा अब इस प्राइस में जो चेंज आता है उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है क्वांटिटी डिमांड ख़ुद से चेंज नहीं हो रही प्राइस में चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है इस वजह से क्वान्टिट्टी डिमांड आपका इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ठीक है कि वो प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है इसी तरीके से लाव सप्लाई में हमने देखा था कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिपेंड कर रही है प्राइस के ऊपर तो हमारी इक्वेशन बनती थी क्यू डी इज इक्वल इज़ अ फंक्शन ऑफ पी ठीक है इसमें पी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और क्यू ऐसे आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी ठीक है ये थी कुछ टाइप्स आपकी वेरिएबल्स की नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से आप फेमिलियर होोगे आप लोगों ने अपनी नाइन टेंथ के सिलेबस में बहुत सी लीनियर इक्वेशन का सोलूशन भी किया होगा यहाँ पे जस्ट आप इसकी डेफिनेशन uh, को आप अपने जहन में रखें और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपने अपने जहन में रखनी है कि इसकी जनरल फॉर्म क्या है इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा ठीक uh, है uh, फ़ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरीएबल इज़ वन देन द इक्वेजन इज़ सेट टू बी लीनियर इक्वेजन यानी आपकी जो एक गिवन इक्वेजन है उसमें वेरीएबल का हाइस्ट एक्सपोनेंट वन होगा तो वो आपकी लीनियर इक्वेजन होगी ठीक जैसे जर्नर फॉर्म है इसकी ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू जीरो इसमें एक्स आपके पास एक वेरिएबल आ रहा है और उसकी उसका एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास वन है इस वजह से ये एक लीनियर इक्वेजन है या फॉर एग्जाम्पल आपकी इक्वेजन हो सकती है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री इसमें भी एक्स की हाइएस्ट पावर वन है ये आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी ठीक है द नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द इक्वेशन इज टू द इक्वेशन इज सेट टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इक्वेशन में आपका जो वेरिएबल है उसमें हाइस्ट पावर आपके पास जो आ रही है वो टू आ रही है तो फिर वो आपका आपकी इक्वेजन जो होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेजन कहलाएगी इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू जीरो है ठीक आपकी बुक में एक्सरसाइज गिवन होगी उस एक्सरसाइज में आपकी लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मेंशन है आप उनको अपनी प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा सिंपल से क्वेश्चन है उनके अंदर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर फिर भी उनमें आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस आप करते हो तो आपकी जो इंटरेक्शन क्लास होगी उसमें फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे ओके गर्ल्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़